दिस इज 2019 सीबीएसई दिल्ली का पेपर. दिस इज 66 ओब्लिक 1 सेट 3 दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. राइट, दिस इज द थर्ड सेट वी आर डिस्कसिंग. लेट्स स्टार्ट विद इट्स डिस्कशन. पूरा इस हम पूरा ये पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसका मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की से मार्किंग हुई होगी, है ना, और हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए था. राइट, और आगे के फ्यूचर के पेपर्स में हम किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं. चलिए, वर्षा जैन आफ्टर कंप्लीटिंग हर फैशन डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी planned to enter into the designer clothing venture. इन्होंने designing clothing venture में enter करने की decision लिया. She had to address issues like her target customers. मतलब उन्हें कुछ issues का सामना करना पड़ा कि उनका target customer कौन कौन होगा, कैसे वो अपने clothes को distribute करेंगी, क्या pricing policy बनाएंगी. आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टाइप ऑफ प्लान वर्षा जैन को ज़रूरत है डेवलप करने के लिए, जिससे वो सही तरीके से डायरेक्शन एंड स्कोप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सकें. राइट, वो कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें. आप देख सकते हो यहाँ पर इन्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे वो अपने टारगेट कस्टमर्स को अचीव कर सके, अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच सके. तो हेंस द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी स्ट्रैटेजी. राइट, उन्हें जो टाइप ऑफ प्लान चाहिए दैट इज स्ट्रैटेजी. आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. स्ट्रैटेजी मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया जाता है जब हम कोई प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन करते हैं, प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन करते हैं, है ना. तो इन्हें इसी टाइप का कोई प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन करने की जरूरत है, इसीलिए उन्हें स्ट्रैटेजी की जरूरत है. आई होप आई एम क्लियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, दिस इज अ वन मार्क क्वेश्चन, अ सिंपल वन मार्क का क्वेश्चन. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टू एक और वन मार्क का क्वेश्चन है. इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो समझने की कोशिश करते हैं. बोलता है कोई भी दो डेवलपमेंटल फंक्शन बताइए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, है ना. और बोलता है कि एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब होता है. मतलब फाइनेंशियल मार्केट एक एलोकेटिव फंक्शन फॉलो करता है, इसका क्या मतलब है, है ना. तो इसका बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है. कोई भी दो डेवलपमेंटल फंक्शंस पूछे हैं. आप इनमें से कोई भी दो डेवलपमेंटल फंक्शन डाल सकते थे. सेबी का डेवलपमेंटल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि डेवलप करना. क्या डेवलप करना, वो ट्रेन करता है अपने इंटरमीडिएटरीज को सिक्योरिटी मार्केट में, है ना. वो रिसर्च करता है, पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन जो मार्केट पार्टिसिपेशन में बहुत यूजफुल होती है. उसके बाद वो और से भी और क्या डेवलप करता है, जिसे भी जो है वो अंडरटेक करता है कुछ ऐसे मेजर्स जिससे कैपिटल मार्केट में फ्लेक्सिबल अप्रोच एडॉप्ट हो सके. फ्लेक्सिबल अप्रोच मतलब लोग अपने हिसाब से चीजें अचीव कर सकें. राइट, तो दिस इज हाउ वी अचीव द डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी. सेकंड जो और पार्ट में पूछा था, हमसे पूछा था कि फाइनेंशियल मार्केट का एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है. एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, एलोकेटिव फंक्शन इन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है जब हम एलोकेट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं. एलोकेटिव का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना, किसी को बताना कि तुम ये करो तुम ये मत करो, है ना. तो जब मैं किसी को डायरेक्ट करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट में, है ना, कि तुम ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ पे हमारे अवेलेबल फंड्स हैं, आप यहाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है,
तो फाइनेंशियल मार्केट में इस टाइप का एक फंक्शन फॉलो कर फाइनेंशियल मार्केट इस टाइप का एक फंक्शन फॉलो करता है जहां पर वो बताता है कि कैसे हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे आपको बेस्ट तरीके से रिटर्न्स मिले, है ना। इसमें इन्होंने एक और डेफिनेशन भी बताई है कि एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का ये भी मतलब होता है हम अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करें, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें और चैनलाइज करें देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। उन अपनी सेविंग्स को हम इस तरीके से यूज करें जिससे उनसे हमें कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिल पाए, जिससे हमें उनसे कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिल पाए, राइट। तो आई होप द क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री अगेन एक वन मार्क का क्वेश्चन है। बोलता है डीना हैज बीन यूजिंग क्लीन, एक फेमस डिटर्जेंट है जो कि अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। उन्होंने काफी सारे न्यूमरस एडवर्टाइजमेंट देखे टेलीविजन में और उन्होंने इस नए ब्रांड डिटर्जेंट को यूज करने का डिसीजन लिया। वो नियर बाय आसपास की स्टोर पे गई और उन्होंने परचेज किया ये सेम, ठीक है। उन्होंने देखा कि डिटर्जेंट ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग सिमिलर क्लेम्स ऑफ व्हाइटनेस एंड स्टेन रिमूविंग एबिलिटीज, मतलब और भी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी ये पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। हेंस शी कुड नॉट मेक अप हर माइंड, वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाई कि वो कौन सा डिटर्जेंट खरीदे। बोलता है नेम द ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग जो कि डिस्कस किया गया है इन दिस केस, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन है जो एडवर्टाइजिंग का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में डिस्कस किया गया है। आप क्लियरली एक चीज समझ सकते हो, इन्होंने जब वो मार्केट में गई तो वो क्या हो गई, वो बेसिकली कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, है ना। तो बेसिकली जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन जो एडवर्टाइजमेंट का इन्होंने यूज किया है वो है कंफ्यूजन, कंफ्यूज द बायर, बायर को कंफ्यूज कर देना कि हम ए कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें या बी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें। तो दिस इज कॉल्ड कंफ्यूज द बायर। तो ये ऑब्जेक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब इन्होंने बेसिकली डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर केस के द्वारा। आपसे एक्सपेक्ट किया गया था कि आप क्वेश्चन आंसर में कंफ्यूज द बायर मेंशन करें वर्ड, राइट। आप चाहें तो इसको सेंटेंस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो केवल ये दो वर्ड तीन वर्ड्स लिख देंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट फुल क्रेडिट, राइट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, चॉइस भी दे रखा है, अगेन इट्स अ वन मार्कर क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है। बोलता है मीनिंग बताइए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, है ना, और मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग बताइए। तो आपको कोई एक बार अटेम्प्ट करना था, हम दोनों ही डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फोर में सबसे पहले वो बोलता है मीनिंग बताइए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम कोई ऐसी एक्टिविटीज को अपटेक करें जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पोजेशन जो है वो दूसरे इंसान पे शिफ्ट कर देते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पोजेशन हम किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फर्म अपने टारगेट कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड करती है और वो गुड्स जो हैं वो फिजिकली ट्रांसफर किए जाते हैं पोजेशन समेत अपने कस्टमर्स को, फिजिकल पोजेशन दे दी जाती है प्रोडक्ट्स की, है ना। तो जैसे आप कभी मार्केट में जाते हो, गुड्स खरीदते हो, गुड्स अपने साथ घर में लेकर आते हो, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। नेक्स्ट बोलता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट या साइंस है जहां पर लोग अपने टारगेट मार्केट से, है ना, कस्टमर्स को ग्रो करते हैं, जिससे वो कस्टमर्स बनाते हैं, उन्हें डिलीवर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं सुपीरियर्स को, कस्टमर की वैल्यूज मैनेजमेंट को बताते हैं या फिर
हम इसकी एक और डेफिनेशन भी बता सकते हैं, मैनेजमेंट की डेफिनेशन से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली मतलब क्या है, जब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर रेलिवेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर हम गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स और सर्विसेज में हम एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. किस चीज में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड द कस्टमर्स, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, इट इज अ वन मार्क सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. कोई भी इसमें हमने कुछ खास बड़ा टॉपिक नहीं किया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, अनदर वन मार्क क्वेश्चन, एक और एक नंबर वन मार्क का क्वेश्चन है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन के साथ. बोलता है वर्क फोर्स एनालिसिस को डिफाइन कीजिए या फिर सिलेक्शन को डिफाइन कीजिए, है ना. इट्स अ सिंपल चैप्टर, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम स्टाफिंग चैप्टर. स्टाफिंग चैप्टर का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है. वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है, जब एनालिसिस का मतलब है जब मैं किसी चीज का असेसमेंट करता हूँ, है ना. तो हम सिंपल एनालिसिस वर्ड को असेसमेंट वर्ड से मेजर अप कर सकते हैं, है ना. तो एनालिसिस का मतलब है असेसमेंट. असेसमेंट ऑफ व्हाट? असेसमेंट करना कि मेरे पास कितने नंबर एंड कितने टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे गिवन पर्टिकुलर टास्क और जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए. आई रिपीट माई सेल्फ, मेरे पास में कितने नंबर ऑफ ह्यूमंस रिसोर्सेज और कितने टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं. दैट इज वर्कफोर्स एनालिसिस, राइट. सिलेक्शन, सिलेक्शन में हमारा जो कीवर्ड है वो बेटा क्या है? सिलेक्शन का हमारा कीवर्ड क्या है? सिलेक्शन में मतलब है चूजिंग द राइट कैंडिडेट, है ना. चूजिंग द राइट कैंडिडेट मतलब सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, है ना. तो जब हम किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को चूज करते हैं, चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स, या चूज करना राइट कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द अबव, फ्रॉम ऑल द ह्यूमंस और ऑल द कैंडिडेट दैट आर अवेलेबल फॉर अस इन रिक्रूटमेंट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड सिलेक्शन. मतलब जिन्होंने हमने रिक्रूट किया है उनको उसमें से करेक्ट कैंडिडेट को चूज करना इज सिलेक्शन, राइट. तो दिस वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन वन मार्क क्वेश्चन. कोई मेरे ख्याल से इसमें खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इसके बाद में मूव ऑन करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में. सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है, इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन है केस स्टडी क्वेश्चन है वन मार्क का. बोलता है अप्लायंस इंडिया लिमिटेड एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम अप्लायंसेस सिंस 1987. इट हैज अ गुड नेम इन द मार्केट as the company is producing good quality appliances. वो बहुत अच्छे quality of appliances produce कर रहा है. उसके पास में separate departments हैं manufacturing के, finance के, sales के, maintenance services के, technical services के. अपने specialization को achieve करने के लिए उसके पास अलग अलग departments हैं, है ना. बोलता है since the areas of operations of the company have increased, मतलब उसका काम बढ़ गया है, है ना, और वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करता है. तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, हम वो अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज करेगा, है ना. बोलता है स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच द कंपनी वॉन्ट्स टू मॉडिफाई टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. मतलब बोलता है कि इन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मॉडिफाई करें, चेंज करें, है ना. तो बेटा आप सब जानते हो यहाँ पे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं?
हम यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। जब हम कभी किसी चीज को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है हम डिविजन्स की बात कर रहे हैं, है ना, अलॉटमेंट ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। तो डिविजन्स में बात, हम डिविजन्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल, कि काम को कैसे बांटा जाए, है ना, करेक्ट तरीके से कैसे हम वर्क को डिवाइड करें अमंग द वेरियस एम्प्लॉयज, अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, सो दैट ऑल अवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, राइट। तो हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजन ऑफ वर्क। देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, इसका हमारा सोल्यूशन है डिविजन ऑफ वर्क, राइट। आपको बोला था जनरल प्रिंसिपल स्टेट करना है, तो आधा नंबर है आइडेंटिफाई करने का और हाफ नंबर है प्रिंसिपल को स्टेट भी करना है। आपको प्रिंसिपल को बताना भी है कि ये प्रिंसिपल में एक्चुअली में होता क्या है, राइट। आई होप यहां तक किसी को भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सा वन मार्क का क्वेश्चन है। बोलता है हाउ डज फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब फाइनेंशियल मार्केट जो है वो प्राइस डिस्कवरी, फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस डिस्कवरी को कैसे फैसिलिटेट करती है। कैसे फैसिलिटेट करती है का मतलब वो कैसे उनका, मतलब वो कैसे उनको बताती है कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, है ना। हाउ डज इट बेसिकली फंक्शन प्राइस डिस्कवरी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा वन मार्क का क्वेश्चन है। सिंपल बात है बेटा, प्राइस डिस्कवरी हमें एक्सप्लेन करनी है। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हमें फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर प्राइस डिसाइड करने का, प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करती है। आप सबको ये चीज पता है फाइनेंशियल मार्केट कैसे प्राइस को डिटरमाइन करती है। फाइनेंशियल मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करती है स्टॉक मार्केट्स के थ्रू। स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, स्टॉक मार्केट ऑपरेट करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लग गई तो अकॉर्डिंगली प्राइस इंक्रीज होता जाता है, डिमांड रिड्यूस होने लग गई प्राइस रिड्यूस होने लग जाता है, है ना। अकॉर्डिंगली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं, प्राइसिंग को डिस्कवर करते हैं, राइट। दैट्स व्हाट वाज द मेन की। यहाँ पर फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई, ये आपका कीवर्ड है, राइट। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन फॉर वन मार्क। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है फॉर वन मार्क। बीरू नंदन चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज फाउंडेड बीरू यूनिवर्सिटी फॉर अंडरग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन डाइवर्स डिसिप्लिन्स। अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन्स में उन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया है बीरू नंदन, जो कि चेयरमैन है ललित ग्रुप के, बीरू यूनिवर्सिटी के फाउंडर है, बेसिकली चेयरमैन है ना। बोलता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उनका जो IT डिपार्टमेंट है ललित पावर लिमिटेड का, वो बोलता है उनके पास में काफी सारी वेकेंसीज हैं टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनके पास काफी सारी वेकेंसीज हैं, ठीक है। बोलता है ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने, कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम फ्रेश इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स को फ्रॉम बीरू यूनिवर्सिटी से अपनी कंपनी में हायर करेंगे। फिर से बोलूं, बीरू यूनिवर्सिटी से, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी से वो अपनी कंपनी के अंदर थोड़े से कोई फ्रेश लोगों को रिक्रूट करना चाहता है। बोलता है हम कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो कर रहे हैं। बेटा आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि हम किसी यूनिवर्सिटी से लोगों को जॉब दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी से हम किसी को पिक कर रहे हैं और उसे जॉब दे रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज कैंपस प्लेसमेंट, दिस हैपेंस इन कैंपस प्लेसमेंट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एज अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक केस स्टडी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 एक केस स्टडी क्वेश्चन है।
समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को. सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन रीड करूंगा, आप देख सकते हो. पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा. जब हम कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीडिंग अप द क्वेश्चन फर्स्ट. आइडेंटिफाई कीजिए द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय मीता. ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. मतलब कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को मीता ने इग्नोर किया है इस पर्टिकुलर केस में, है ना. तो देखते हैं क्वेश्चन में, केस में क्या बताया हुआ है. बोलता है मीता हैज द सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस. मीता का एक सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस है बीकानेर में. नाम है उसका स्मार्ट फ्लेवर्स. हर आइसक्रीम्स आर अटरली डिलिशियस, बहुत ज्यादा डिलिशियस हैं. शी मेक्स आइसक्रीम्स फ्रॉम फ्रेश मिल्क एंड द सेम आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स. वो बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है. शी सेट्स वायबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स and works with the same in mind in order to ensure that the customers will come back for purchasing. वो जब बेचती हैं तो उनको लगता है कि हाँ customers उनके पास वापस आएंगे. Definitely कोई चीज, कोई healthy और अच्छी चीज बेचेगा तो लोग, customers तो उनके पास return में आएंगे ही आएंगे. बोलता है having the first movers advantage, उनको first movers advantage मिला हुआ है, इसीलिए उनका business बहुत अच्छा चल रहा है. हाई प्रॉफिट्स रन करने, अर्न करने के लिए उन्होंने कॉस्ट को कट करना शुरू करा, उन्होंने कॉस्ट को रिड्यूस करना शुरू करा. दिस वुड समटाइम्स लीड टू डिले इन डिलीवरी ऑफ आइसक्रीम, वाज नॉट रीचिंग इन द मार्केट ऑन टाइम. क्योंकि वो कॉस्ट रिड्यूस कर रही हैं तो उनकी आइसक्रीम जो है वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रही है कहाँ पे, मार्केट में, जिसके वजह से मार्केट में डिलेट पहुंच रही है और थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रही है. Over a period of time, demand for her ice cream declined, and because of its competitors entered the market, she lost some of her market share to its competitors. Competitors आए, competitors ने उनकी market को take over कर लिया, और क्योंकि वो ढंग से manage up नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब competitors ने उनका business take over कर लिया. At the beginning of summer season, अगले साल summer season के beginning में उनके पास 4000 आइसक्रीम पैक्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स एट अ स्पेशल ओकेजन का ऑर्डर आया. टू इंश्योर दैट द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड ऑर्डर्स वर डिलीवर्ड इन टाइम, उन्होंने एडिशनल वर्कर्स को हायर किया. शी वाज दस एबल टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर आइसक्रीम पैक्स, वो डिलीवर कर पाए आइसक्रीम पैक्स एट अ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट. मतलब उनको हाई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ानी पड़ गई अपनी इस पर्टिकुलर टास्क के लिए. मूविंग ऑन, बोलता है while completing activities and finishing the given task of achieving goals, Meeta ne realized kiya that she was ignoring one of the important aspects of management. Unhone ek bahut hi important aspect of management ko ignore kara, right? Kya aap sab mere ko bata sakte ho ki wo kaun sa method hai? It is quite clear ki unhone yahan par efficiency pe focus nahi kiya. Efficiency pe focus nahi kiya. मतलब टाइमली डिलीवरी पे फोकस नहीं किया. टाइमली डिलीवरी एंड टाइमली डिलीवरी से लेके एंड गुड क्वालिटी पे फोकस नहीं किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूसली अपने अपने वर्कर्स को निकालती गई. जब उन्होंने अपने वर्कर्स को निकाला तो इससे क्या हो गया, उनके ऑर्डर्स डिले होने शुरू हो गए. ऑर्डर्स डिले होने शुरू हो गए तो उनकी क्वालिटी रिड्यूस हो गई. जब कोई क्वालिटी रिड्यूस होती है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ पर आता है, एफिशिएंसी पे आता है. तो इफेक्टिवनेस इन एफिशिएंसी में इफेक्ट आने लग गया, राइट. इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन इज एफिशिएंसी. देख सकते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज द मैनेजमेंट. एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में. तो 1 मार्क आइडेंटिफाइंग के लिए आपको मिल गया. इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मिला है 1 मोर मार्क. इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको बोला था एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा और एग्जाम्पल को करेक्टली मेंशन करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. इसका एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी आप दे सकते हो, दैट इज इफेक्टिवनेस, ठीक है ना. कई बच्चे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इफेक्टिवनेस भी हो रहा है. सर हमने तो यहाँ पे नोटिस किया कि इसने टाइमली डिलीवरी नहीं करी, है ना. टाइमली डिलीवरी ना करने के वजह से इसको लॉस हुआ,
जिसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस राइट टास्क राइट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, उसने अपने गोल्स अचीव नहीं करे, इस वजह से भी उसका यहाँ पर उसको लॉसेस हुए। तो हम इफेक्टिवनेस को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, है ना, और उसका एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, है ना। अगर आपने इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के मिक्सचर में आंसर लिखा है तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, है ना। बट बेटर है कि आप इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी को सिंगल वे में एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली उन्होंने बोल दिया कि तीनों में से कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर आपने दी है तो ऑल द थ्री एक्सप्लेनेशंस आर करेक्ट, है ना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? आई होप दिस पोर्शन शुड बी क्लियर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। बोलता है जॉब एनरिचमेंट और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जो कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है ना, मोटिवेशन के, है ना, जो डायरेक्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। बोलता है हाउ डू दे मोटिवेट एम्प्लॉयज, तो आपको बेसिकली बताना है जॉब एनरिचमेंट और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या होते हैं। बेसिकली आपको ये दोनों एक्सप्लेन करने हैं, है ना। तो आप सबको पता है जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है जब मैं वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट लेकर आता हूं, व्हेन आई ब्रिंग वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट लेकर आता हूं अपने जॉब में, जिससे मुझे हाई स्किल एंड नॉलेज मिलती है ना। मैं अपने हाई स्किल एंड नॉलेज का प्रदर्शन करता हूं, मैं शो करता हूं, और जिससे लोगों हमें ये पता चलती है कि मैं जॉब में जॉब करते करते भी चीजों को सीखता हूँ। आई गेट गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग माई टेन्योर इन द जॉब, दैट इज जॉब एनरिचमेंट, राइट। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का बेसिक मतलब क्या हो गया बेटा? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब है मैं एम्प्लॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता हूँ, है ना। मैं अपने एम्प्लॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता हूँ कि वो मेरी कंपनी के इंटरनल पॉलिसी बनाए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। इससे क्या होगा, जब वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे उनकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, उन्हें मैनेजमेंट करना आएगा, उनमें लीडरशिप स्किल्स आएंगी, दूसरों के बारे में सोचना आएगा, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगी उनकी। तो दिस विल मोटिवेट देम टू वर्क एज अ टीम, एज अ ग्रुप, है ना। तो दिस इज हाउ वी हेल्प द वर्कर्स और आर मैनेजर्स टू ग्रो, राइट। हम अपने एम्प्लॉयज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो बस हमने इसी को एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का है, 1.5 1.5 फॉर ईच मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। तो आप चाहते हो तो इसमें आप थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे हमने जॉब एनरिचमेंट लिखा, एक्सप्लेनेशन दिया, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। एग्जाम्पल विल मेक योर आंसर अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव, जिससे कि आपका जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ आ जाए एग्जामिनर को, राइट। सिमिलरली जॉब पार्ट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को हमने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद में हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, राइट। आपसे दो बेसिक एस्पेक्टेड पॉइंट्स, आपसे दो पॉइंट्स एक्सपेक्ट किए जाएंगे 1.5 मार्क्स में, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो हाफ मार्क फॉर 2 पॉइंट्स प्लस हाफ मार्क फॉर एन एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है एग्जामिनर, सिलेक्शन दे सकता है मार्किंग का, राइट। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यू हैव टू आंसर एनी वन। बोलता है गिव द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग बताइए और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स बताइए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बताइए फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बताइए, है ना। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों, फ्रॉम पार्ट बी ऑफ योर सिलेबस। देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भाई सीधा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है जब हम कोई भी ऐसी मैनेजमेंट करते हैं जहां पर फ्लो ऑफ फंड्स की मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, जहां पर हम डिसीजंस लेते हैं कि कैसे हम फंड्स लेकर आए, कैसे हम उनको इन्वेस्ट करें और कैसे हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना। तो पहले ब्रिंगिंग ऑफ फंड्स,
जो आ गया प्रोक्योरमेंट से, फिर आ गया उनको इन्वेस्ट करना, और फिर आ गया उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना. तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं, है ना, राइट. अगेन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से भी, जब हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं ऑफ व्हाट, ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज और ऑफ द मॉनेटरी एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो उसे भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं. कोई भी एक डेफिनेशन आप स्टेट कर सकते हो, वन मार्क, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट. आपको बोला है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स बताइए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपको पता है दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्या होते हैं? मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर का, हमारा शेयर होल्डर का. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. वन इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, है ना. शेयर होल्डर्स वेल्थ को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करना इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, है ना. उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर की प्राइस को बढ़ाना, है ना. अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर के प्राइस को बढ़ाना, है ना. वो ये कैसे कर पाता है? इसी की हेल्प से वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है. इक्विटी शेयर की प्राइस को बढ़ाकर ही वो अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करता है, राइट. आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो दिस ऑब्जेक्टिव्स वाज बेसिकली फॉर 2 marks एंड डेफिनेशन वाज फॉर 1 mark. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सेकेंड, इसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव आंसर है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, दैट इज स्टेट एनी 3 points ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंस बताइए. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस से हमें बचाता है, हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं बिजनेस फंक्शंस के साथ वेरियस, हम डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन बना पाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो और हमारे प्लानिंग में कोई गैप्स ना हो, हमारे फ्यूचर को प्रेजेंट से लिंक करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस के बीच में एक लिंक बनता है, राइट. इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस. उसके बाद में हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है, है ना. अगर आपने यहाँ पर हेडिंग्स नहीं, अगर आपने केवल हेडिंग्स दी हैं, मतलब अगर आपने केवल ये हेडिंग्स इनकी केवल की हेडिंग्स प्रोवाइड करी हैं, तो हेडिंग में केवल आपको हाफ मार्क मिलेगा. दैट मीन्स आपको टोटालिटी में 1.5 नंबर मिलेगा 3 में से. आपको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, तो केवल की हेडिंग्स लिखने से फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट. यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. चलिए, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.